भाजपा सरकार ने देश के गन्ना किसानों के लिए तोहफे का ऐलान किया है। कैबिनेट ने गन्ने की FRP बढ़ाने का फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने 2023-24 सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि FRP 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने चीनी सीजन 2023-24 के लिए गन्ना किसानों के लिए 315 रुपए प्रति क्विंटल के अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को फायदा होगा। इसके साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गन्ना 17 अक्टूबर से शुरू होता है। गन्ने का न्यूनतम मूल्य 2014-15 में 210 रुपए प्रति क्विंटल था। मंत्रिमंडल ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना PM प्रणाम कृषि प्रबंधन के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों को प्रोत्साहन को मंजूरी दी। उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। इस योजना का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को 2023-24 के बजट के दौरान किया था। योजना के तहत केंद्र राज्यों को प्रोत्साहित करेगा कि वे वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा दें और रासायनिक उर्वरकों को कम करेंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि मान लीजिए कि कोई राज्य 10 लाख टन पारंपरिक उर्वरक का उपयोग कर रहा है और यदि वह अपनी खपत 3 लाख टन कम कर देता है तो सब्सिडी की बचत जो है 3000 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी बजट में से केंद्र वैकल्पिक उर्वरक के उपयोग और अन्य विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य को 50% यानी के 1500 करोड़ रुपए देगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि NRF की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में लाया जाएगा। इसके साथ ही साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को रद्द कर दिया जाएगा। NRF का संचालन एक गवर्निंग बोर्ड की ओर से किया जाएगा। इसमें 15 से 25 प्रतिष्ठित शोधकर्ता और पेशेवरों को शामिल किया जाएगा। इस गवर्निंग बोर्ड का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। FRP सरकार की ओर से तय किया गया मूल्य है जिस पर मिले किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य हैं। हमेशा FRP यानी कि फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइस में बढ़ोतरी से देश के सभी किसानों को फायदा नहीं हो पाता। दरअसल कुछ राज्यों में FRP के अलावा गन्ने की पैदावार के लिए राज्य समर्थित मूल्य यानी SAP स्टेट एडवाइजरी प्राइस भी तय किया जाता है। जिन राज्यों में गन्ने का उत्पादन अधिक होता है वे अपनी फसल की कीमत खुद तय करते हैं। इस कीमत को SAP कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य के किसान अपनी फसल के लिए SAP तय करते हैं। साधारण तौर पर SAP का मूल्य केंद्र सरकार के FRP मूल्य से अधिक होता है। ऐसे में केंद्र की ओर से FRP बढ़ाने के बाद अगर राज्य सरकार ने SAP नहीं बढ़ाया तो इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।